नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा ग्रुप नारनौल, हरियाणा से। आज आपको बताएंगे घुटनों में दर्द में मालिश कैसे करें। आप कोई भी तेल ले लीजिए जो दर्द निवारक हो, या घर में बना लीजिए। मेन होता है कि मालिश कैसे करें, वही आपको बताएंगे। आपने कहा भी है कि हमें मालिश का तरीका बताइए, तो उसी के ऊपर आज का वीडियो है ये। घुटनों के दर्द से बड़े परेशान हैं लोग। पहले हाथों को रगड़ के अपने और घुटने के चारों तरफ लगा देंगे पहले तेल को। थोड़ा पैर को ऊपर उठा लीजिए, इतना ऐसे कर लेंगे पैर को, ताकि नीचे भी आराम से हाथ चला जाए। उस घुटने के यहां तक और यहां तक इतना तो ऐसा कर लगा लेंगे तेल। ये तो सामान्य प्रक्रिया हो गई, सभी को करनी है कि पूरे भाग में तेल लगा लेंगे पहले आराम आराम से, और कुछ देर इसकी मसाज ऐसे कर लेंगे सिंपल तरीके से। तेल आप बना सकते हैं, उसकी भी मैं बता दूंगा बनाने के लिए क्या फार्मूला चाहिए, या फिर आपके पास है, आपको आराम मिल रहा है। कई प्रकार के मार्केट में तेल है, आपको आराम मिलना चाहिए, मेन बात ये है। ये कुछ देर ऐसे कर लेंगे ताकि रक्त का संचार आराम से हो सके। अब मान लो मैं खुद ही हूँ, ये बैठा हूँ, ये मेरे दोनों हाथ है, इधर से दिखा दीजिए थोड़ा पास लाके। तो पहले शुरुआत करेंगे, ये जो लिगामेंट है हमारे साइड में, पहले समझ लीजिए ये फीमर हड्डी है, ये टीबिया है, और उसके बीच में ये पटेला है, और साइड से इसको बांधे कौन रखता है, लिगामेंट। तो पहले इसकी मसाज करेंगे आराम आराम से दोनों हाथों से ऐसे। ये भी हमारे मजबूत रहेंगे तो घुटने मजबूत रहेंगे जो बांध के रखते हैं। और फिर अगले वीडियो में भी बताऊंगा घुटने की संरचना कैसे है, कैसे घुटने खराब होते हैं, कैसे ग्रीस खत्म होती है, कैसे कार्टिलेज घिसते हैं, वो अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। तो ऐसे ऐसे पहले जो लिगामेंट है साइड में है, उनकी ऐसे ऐसे मसाज कर ले आराम आराम से, ढीले ढीले हाथ से, जो हमें सहन हो सके। उसके बाद फिर ये पटेला है, पटेले के दोनों साइड में आराम आराम से ऐसे, पहले लिगामेंट की मसाज की, अब पटेले के दोनों साइड ऐसे आराम से। तेल खत्म हो जाए तो फिर डाल लेना। साइड से इसको रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि भाई एक बार कर लिया, कम से कम 5 मिनट का समय होना चाहिए अपनी मसाज का, घुटने की मालिश का। फिर ऐसे बीच बीच में ऐसे गोल गोल घुमा लेंगे इसको 5 से 10 राउंड, फिर पीछे की ओर। कई स्टेप बताऊंगा देख देख के, वीडियो को देख देख के भी आप लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं पीछे की ओर। अब यहां से पकड़ के नीचे की ओर उतारेंगे ऐसे। ये जो हड्डी है उसके दोनों तरफ आपको लगेगा कि ये है रास्ता, इसकी ओर से धीरे धीरे इसको नीचे उतारेंगे। ऐसे ऊपर की ओर यहां से पकड़ लेंगे आप ऊपर की ओर ऐसे। और बीच में फिर आराम से इसको रिलैक्स कर देंगे। आपको लोकवाइज करेंगे अपने घुटने से या उंगली से ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। स्टार्ट कर देंगे यहां से, घुटने से भी कर सकते हैं ऐसे अंगूठे से, ये नीचे से पकड़ लेंगे ऐसे, और ऐसे ऐसे मूवमेंट करवाना पटेला को। फिर दो पॉइंट है घुटने के नीचे ऐसे, आप देखोगे हाथ लगा के यहाँ पे आपको हल्के हल्के खड्डे नजर आएंगे, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये हाथ लगा लेंगे, सभी के हैं ये। इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, हाँ ये इनमें जरूर मालिश करना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या फिर धीरे धीरे ऐसे कर लेना जैसे भी आपसे हो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना हो तो जैसे भी आपसे हो इनमें जरूर करना दोनों तरफ से। ये है पॉइंट, ऐसे ज्यादा कर लेना, इंच को रिपीट कर लेना। फिर पिंडलियों की है नीचे की ओर, ऐसे ऐसे नीचे की ओर खींच के पीछे की ओर, अब जो नीचे की ओर मसल्स है उसको क्लॉकवाइज करेंगे। फिर बाद में धीरे धीरे जो मैंने पहले बताया था ऐसे धीरे धीरे मसाज कर लेंगे, फिर वापस दोनों तरफ से लिगामेंट की, फिर ये कटोरी की, कटोरी भी हमारी जाम है वो भी खुल जाए, और फिर बाद में बैठ के आराम से फिर खुद भी कर सकते हैं किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। मेन तो क्या सीखना हमें, एक तो ये क्लॉकवाइज जो हम नहीं करते, एंटी क्लॉकवाइज, और मेन ये इस पे ध्यान देना है, और लिगामेंट की मालिश ये दोनों तरफ से, और पीछे की ओर ऐसे यहां से पकड़ के पीछे की ओर, और यहां से पकड़ के फिर नीचे की ओर ऐसे, ये ऐसे पकड़ के फिर आखिरी में फिर रिलैक्स कर लेंगे बिल्कुल। और मालिश करने के बाद इसको हवा में ना लेके जाएं, क्योंकि पैर गर्म हो जाएगा, हवा में लेके जाएंगे तो फिर आपको दर्द हो सकता है, मालिश करने का कोई फायदा नहीं। फिर कुछ देर पैर को ढक के रखिए और कमरे के अंदर रहिए कुछ देर, लगभग आधा घंटा तक, फिर बाहर निकलिए। ऐसे हमें मालिश करनी है। ये सुबह और शाम करनी है मालिश करके, फिर हम मैंने जो पैकेज बना रखा है आपके लिए घुटनों का, उस पैकेज को करना है, पूरा करना है। जो आसन आपसे हो वो करना है, जबरदस्ती कुछ भी ना करें। कई जबरदस्ती करते हैं फिर बाद में फोन करते हैं जी मेरा दर्द बढ़ गया। मैं फिर कह रहा हूँ जबरदस्ती कुछ भी ना करें, आराम से करें मालिश करके, फिर जैसा भी हो आपसे, क्योंकि ये 40 के बाद होता है, 50 के बाद होता है, उम्र भी बढ़ जाती है, स्टेमिना खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो कोशिश करें आराम से करें, समय बहुत है हमारे पास, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 3 महीने में जरूर आपको फायदा मिलेगा। तो ये मालिश का प्रक्रिया थी कैसे करनी है, इसको मसाज भी बोल सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं या किसी दूसरे से करवा सकते हैं। ये जरूर करना है मालिश आपको, चाहे घुटने में दर्द हो, कम हो या ज़्यादा हो, अगर जिसके घुटने में दर्द ना हो तो वो भी मालिश कर ले, उसके लिए भी लाभदायक है, ताकि हमारे घुटने मजबूत बने, स्वस्थ बने। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं बताऊँगा घुटने में कट कट की आवाज़ का आना, उसको कैसे दूर करें, और घुटने की जो रचना है उसके बारे में समझाऊँगा मैं। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिए, और जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये हमारे साथी हैं एडवांस योगा ग्रुप के, जो सेवाएं दे रहे हैं गली गली जाके, गांव गांव जाके, कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, जहां भी जाके सभी सेवा दे रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, एडवांस योगा ग्रुप का हिस्सा बनिए और हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। आप सभी का भी धन्यवाद।